क्या आप चाहते हो कि जिस लेडी को आप लाइक कर रहे हो वो आपके प्यार में पागल हो जाए, इतने ही नहीं वो आपको खुद पटाने लग जाए, खुद प्रपोज कर दे? चाहते हो ना फ्रेंड? मुझे पता है आप लोग चाहते होंगे यार, तभी तो आप लोगों को इतना इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे हो कि सर मैं उसके लिए पागल हो चुका हूँ बट वो मुझे लाइन नहीं दे रही है, सर कुछ ऐसा टिप बताओ जिसके चलते वो मुझे पटाने पर पागल हो जाए। तो भाई मेरे आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। वीडियो में फ्रेंड मैं कुछ ऐसे प्रो टिप बताने वाला हूँ जिसको आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो भाई किसी भी लेडी को आप पटा सकते हो। मानता हूँ फ्रेंड वीडियो थोड़ी गलत है, पर क्या करूँ यार, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर यही चीज़ के लिए कमेंट करते हो तो भाई उसके ऊपर तो वीडियो बनाना बनता ही है। अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगे या सही लगे तो प्लीज़ भाई इस वीडियो पर लाइक जरूर करिएगा। और ये ध्यान रखना फ्रेंड कि ये वीडियो सिर्फ आपके रिक्वायरमेंट में बन रही है, ठीक है फ्रेंड? तो इस वीडियो पर लाइक तो करना आपका बनता ही है। तो भाई मेरे अगर आप अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ यार फॉलो कर लेना, अगर कोई से भी आपको वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ भाई फॉलो जरूर करिएगा। खैर बढ़ते हैं वीडियो में। देखो फ्रेंड मैं आपको सबसे पहले तो कुछ नियम बता दूं कि सर किस टाइप की लेडी को पटाना चाहिए जो जल्दी से जल्दी पट जाती है और जल्दी ही आपके प्यार में पागल भी हो जाती है। नंबर वन, जिसको अपने हस्बैंड से या फिर कहा जाए जिसको अपने लाइफ में प्यार ना मिलता हो, जिसको हमेशा खुशी ना मिलती हो, उस पर अगर आप ट्राई लोगे तो फ्रेंड वो आपसे सेट होना जरूर चाहेगी। लॉजिक क्या है? क्योंकि उसको अपनापन कभी मिला नहीं, अपना प्यार कभी मिला नहीं, तो वो भी किसी सच्चे प्यार की तलाश में रहती है। उस पर अगर आप ट्राई मार रहे हो तो आपको उसको पटा सकते हो फ्रेंड। और इस बात को मेरी गलत वे में मत लेके जाना, ये मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया है, ठीक है? कुछ और बातें मत सोच लेना। दूसरा, आपको बताया फ्रेंड ये लोग लेडी किस लड़कों को जल्दी प्रपोज कर लेती है या फिर किस लड़के को दिल दे बैठती है? जो थोड़े दिखने में स्मार्ट होते हैं, थोड़े डैशिंग होते हैं और जो अपने ऊपर थोड़ा केयर टेकिंग करते हैं। भाई मेरे ड्रेसिंग सेंस का हुनर तो सभी के पास होता है, कपड़े पहनने का तरीके सभी के पास होते हैं, बट क्या चेहरे का ख्याल रखना जानते हो आप? जी हाँ भाई मेरे, अगर आपके चेहरे से ऑयल टपकती है या फिर कहा जाए आपका चेहरा ऑयली है, आप अपने बाले को सेटिंग में नहीं रखते, अपने बियर्ड को सेटिंग में नहीं रखते, तो भाई कोई लेडी आपको खुद प्रपोज करने वाली नहीं है, पटाने वाली नहीं है। तो आपको ये चीज़ तो ध्यान में रखना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट, क्या आपको पता है फ्रेंड लेडियां उनसे बहुत जल्दी पड़ जाती है जो उनके पीछे मेहनत भी करना चाहे? तो पहले आपको क्या करना है, 10 से 12 दिन सिर्फ उससे आई कांटेक्ट करना है फ्रेंड। जी हां, उस पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़वाने के लिए आई कांटेक्ट करना, ये नहीं कि नीचे से लेके ऊपर तक आपको सिर्फ जज करना है। और आई कांटेक्ट कैसे करना है, घूरना नहीं है, 2 से 3 सेकंड का आपको उसको देखना है, प्यारे से चेहरे पर स्माइल रखनी है, फिर उसको देखनी है, फिर नजरें हटा लेनी और फिर उसको देखना, फिर पर ध्यान रहे अगल बगल में शोर ना हो जाए और कहीं खबर ना चली जाए, वरना आपकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी फ्रेंड। तो इस बात का भी ध्यान में रखना। दूसरी चीज, मतलब वैसे देखा जाए तो चौथी चीज है, आपको यह करना है कि अब उसको लाइन देना बंद कर देना है। अब उसके बाद क्या होगा, वो लेडी बेचैन होगी, उसको ऐसा लगेगा कि जो बंदा मुझे लाइन मारने आ रहा था, जो बंदा मुझे तार रहा था, अब वो क्यों नहीं आ रहा, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते ये मुझे लाइन मारने नहीं आ रहा, जो मुझे देखने नहीं आ रहा, यार इतनी मुश्किल से तो भाव देने पर मैं भी आई थी, लगता मैंने थोड़ा लेट कर दिया। भाई मेरे इस तरीके से वो आपसे बेचैन होना चाहेगी, इस तरीके से आपको देखने के लिए पागल हो जाएगी। और जब आप 15 या 16 दिन उसके सामने आओगे तो वो आपसे बात करने के बहाने ढूंढेगी, तब वो आपको बार बार देखना चाहेगी और स्माइल भी देगी। चौथी गलती जो कर बैठते हैं लोग जिसके चलते लेडी उनको प्रपोज नहीं करती है, क्योंकि आप अगर लड़की के सामने या फिर उस लेडी के सामने नर्वस हो जा रहे हो, बात करते समय हकला रहे हो, थोड़े से डरबसा रहे हो, थोड़े से डर रहे हो, तो लेडी को ऐसा लगता है कि इस बंदे के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, ये बंदा बात कर नहीं कर सकता, ये एज में छोटा है, और इस तरीके से आपकी ही वैल्यू गिर जाती है। जहां पर जाके आपको कोई लेडी, तो छोड़ो कोई लड़की भी प्रपोज नहीं करने वाली है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड कि दिल के अंदर थोड़ा सा हिम्मत रखिए और थोड़ा दिमाग को बनाइए स्ट्रांग कि हाँ मैं उससे सिर्फ नॉर्मली बातें करने जा रहा हूँ। अब जो फ्रेंड छठी चीज़ है, आपको छोटी मोटी फ्लर्ट आनी चाहिए। फ्लर्ट किस प्रकार की होनी चाहिए, जैसे कि वाव यार आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है, या फिर कहना चाहिए वाव यार तुम्हें ये तरीका बोलने का तो बहुत ही अच्छा है, तुमसे 2 मिनट को अच्छे तरीके से बात कर ले, वो बंदा कितने में भी टेंशन में क्यों ना हो उसका टेंशन चला ही जाना है दूर। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि बंदा कितने भी ज़्यादा उदास रहे, अगर आपकी मुस्कान दिख ले तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। तो इस तरीके की अगर आप बातें करते हो तो उसके दिल में आप घर बना सकते हो, और ऐसे लड़कों को तुरंत लड़कियां पटा लेती है, ऐसे लड़कों पे तुरंत लड़कियां दीवानी हो जाती है, दिल दे बैठती है जो कुछ इस तरह का अपनापन दिखाते हैं। सातवीं चीज, आपको फ्रेंड ये बात ध्यान रखनी चाहिए, किसी भी लेडी को पटाने में सबसे ज्यादा आसान तरीका क्या होता है जानते हो फ्रेंड, कि उसको कोई छोटे मोटे गिफ्ट देना। अब भाई मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर आप 1 से 1.5 लाख रुपए गिफ्ट दोगे या फिर कहा जाए 15-20 हज़ार की, नहीं भाई मेरे, लेडी को कभी इतने बड़े गिफ्ट भी नहीं चाहिए होती है। अगर आप उसे खाने पीने के सामान ला के देते हो ना तो उससे बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होती है, बहुत जल्दी इंप्रेस होती है कि बंदा मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में मतलब कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये उसके हिसाब से ला रहा है। अब अगर आप लोग बोलते हो कि सर ये चीज़ मैं कैसे दूंगा, तो भाई मेरे जब आपने लाइन दिया वहाँ पर जाके वो इंटरेस्टेड हो गई, जब आपने उसे कॉन्फिडेंट
फाइनली बात किया, यहाँ पर आप पता चला कि आप भी उसको लाइक करते हो और इसके चलते ये आपका गिफ्ट एक्सेप्ट तो जरूर करना चाहेगी और इस तरीके से आपकी कहानी चल पड़ेगी। और जब आप उसकी इमोशन को समझने लग जाओगे ना, जब आप उससे सही तरीके से बातें करोगे, उसके बाद क्या करना है, आपको सडनली गायब हो जाना है 2 से 3 दिन के लिए। अगर वो आपकी, देखो भाई से तो मैं गारंटी लेता हूँ फ्रेंड कि वो आपकी इंतजार करेगी, आपको ढूंढना चाहेगी, आपसे मिलने के बहाने ढूंढेगी, बट अगर नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना है, अपने दिल को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, 3-4 दिन बाद उसके सामने जाना है। अगर वो आपसे इतना पूछती है कि कहाँ थे इतने टाइम तक, क्यों नहीं मिले मेरे को, क्यों नहीं देखते थे, अब तो बात भी नहीं करते हो, बात क्या है, तो मैं ये कहना ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल भी व्यस्त नहीं हूँ, बस मेरे को कुछ काम ज़्यादा आ गया या फिर कुछ काम ज़्यादा पड़ गया है, इसके चलते मैं आपसे नहीं मिल पा रहा। बट अगर आप चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो, अगर आप मेरे को अपना फ़ोन नंबर दे दो या फिर कहा जाए कोई कॉन्टैक्ट का जरिए निकाल दो, तो भाई 100% है कि वो अपना फ़ोन नंबर आपको दे देगी और इस तरीके से आप उसे अपना भी लिए, पटा भी लिए। और भाई इस तरीके से हर कोई लेडी आपसे पटना चाहेगी, हर कोई आपको पटाना चाहेगी भाई, क्योंकि इसमें सब मैंने आपको मैच्योर तरीके बताए हैं, जो रियल तरीके होते हैं, जो रियल टिप होती है, जो आसान तरीके से। फ्रेंड बस इसमें ये बात ध्यान रखना है कि ज़्यादा आस पड़ोस को पता ना चले, आपको जब भी अलाइन करना है तो डायरेक्ट बंदे बन के करना है, बस आपका काम हो जाएगा। तो अगर वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई वीडियो पे एक लाइक करिएगा, मन में सवाल हो, समस्या हो इस बात के ऊपर और भी खुल के बात करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सिंपली क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और भाई प्लीज़ वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर देना, फ्रेंड लगे आपको कि बात किसी के साथ करनी चाहिए तो प्लीज़ भाई शेयर जरूर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।